नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। फाइनेंशियल गोल को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिंग कैसे करें, तो इसके लिए पहले कुछ उदाहरण देख लेते हैं। मान लेते हैं कि आपका पहला गोल है हर साल छुट्टी जाना है, सबका होता है। एक कार को चेंज करना है, एजुकेशन के लिए, बच्चों के मैरिज के लिए, या रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, घर बनाने के लिए। तो कुछ कुछ फाइनेंशियल गोल है जिसमें मोटा पैसा एक साथ लगता है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, इस तरह से लगता है। 50 हज़ार, 1 लाख, तो वो तो आप कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए गोल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बड़ा पैसा, एक मुश्त बड़ा पैसा चाहिए, तो वो कुछ पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए। हर साल हॉलीडे के लिए जाना है, कार खरीदना है, एजुकेशन के लिए है, मैरिज के लिए है, रिटायरमेंट के लिए है, घर के लिए। घर को मैंने लास्ट में लिखा है। ज़्यादातर लोग, मुझे लगता है, गलती क्या करते हैं, पहले घर को रखते हैं और रिटायरमेंट के लिए कभी सोचते ही नहीं है। जबकि मैं बोलता हूँ पहले रिटायरमेंट के लिए सोच लीजिए, मतलब जीवन यापन करने के लिए इतना पैसा हो और अपने मन मुताबिक काम करें आप। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं मानता हूं मैं कि आप काम नहीं करेंगे। रिटायरमेंट का मेरा परिभाषा अलग है कि आप उन कामों को छोड़ देंगे जिसमें आपको मन नहीं लगता है। फिर आप जो काम करेंगे ना, जीवन भर काम करते रहेंगे जिसमें आपको काम करने में मन लगता है। तो रिटायरमेंट का मतलब मेरा ये है, उन कामों को ढूंढ लेंगे, पहले वो कर लेना है, उसके बाद घर पे आना है। और मान लेते हैं कि ये हॉलीडे आपको 10 साल के बाद प्लान करना है, 12 साल के बाद कार एक नया लिए हैं छोटा मोटा, उसके बाद 12 साल के बाद उस कार को बदलना है, 13 साल के बाद हायर एजुकेशन के लिए बच्चे के लिए जाना है, मैरिज 15 साल के बाद करना है, 18 साल के बाद रिटायरमेंट पाना है, और 20 साल के बाद एक घर लेना है। तो इस तरह से करके फाइनेंशियल गोल आपको पहले कागज पेन पे लिख के रखना है। हमने ऐसा किया है 12-13 साल पहले, हस्बैंड वाइफ बैठ करके। तो इन सब चीज के लिए क्या चाहिए? पैसा। और पैसा आपको स्मॉल कैप मिड कैप बना के दे सकता है। आप नाम पे जाएंगे ना, रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान, जनरल बेनिफिट प्लान, ये नाम पे जाएंगे और शॉर्ट टर्म में कहेंगे कि भाई गारंटी है, शॉर्ट टर्म में गारंटी बोलेंगे, लॉन्ग टर्म में वो उतना ही दुखदाई होगा। अब किसी के पास जीवन भर पैसा जमा करे 20 साल और 25-26 लाख रुपया हो, और कोई बोलते हैं कि मैं इसमें डाल देता हूं और वो 1 करोड़ रुपया बन जाए, 20-25 साल के बाद जिनके पास 1 करोड़ रुपया है वो रिस्क में नहीं है, और जिन्होंने सेफ सेफर किया वो रिस्क में है। कम पैसा हो तो रिस्की होंगे। तो यहां पे एक उदाहरण मैं लेता हूं कि मान लेते हैं कि आप एक कार का प्लान करते हैं कि आज जो कार 10 लाख का आपके पास है, आप ईएमआई दे रहे हैं, कितना ईएमआई दे रहे हैं मैं इसका बात नहीं करता हूं, आप उस कार को 12 साल के बाद बदलेंगे तो 16 लाख का वो कार मिलेगा। 10 लाख का चीज आज जो है वो 16 लाख का मिलेगा उसका। इस तरह से यहां पे कैलकुलेशन देख लेते हैं। यहां पे 3,30,000 का, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैंने ईऑन कार खरीदा था आज से 11 साल पहले, 3,30,000 का, और आज मान लेते हैं बीच का कार लेंगे तो 5 लाख का होगा। तो उस 5 लाख, 3,30,000 का जो कार था 11 साल पहले, 4% के इन्फ्लेशन के रेट से 5 लाख हुआ। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 4% का इन्फ्लेशन है। उस 4% के इन्फ्लेशन के लिए मान लेते हैं कि आप अभी 10 लाख का कोई कार लेके चल रहे हैं, लमसम में गए, 10 लाख रुपया का कार है, 12 साल के बाद वो कार खटारा हो जाएगा, उसको बदलना है, 4% का इन्फ्लेशन चल रहा है, तो 10 लाख का चीज 16 लाख में उस समय मिलेगा। अब इस 16 लाख को मुझे प्राप्त करना है, तो यदि हम एसआईपी में जाके 4,000-4,000 रुपया पर मंथ का एसआईपी अभी से करें, 12 साल तक करते रहें, 15% का रिटर्न मिड कैप स्मॉल कैप में मिले, तो 5,76,000 जमा करेंगे और 16 लाख मिल जाएगा। आप कहेंगे कि मुझे ना मिला, तो मैं कहूंगा जब तक पूरा ना हो इस पैसे से गोल, तब तक आप एसआईपी करते रहिए। हो सकता है कि 14 साल में पूरा हो जाए, 13 साल में पूरा हो जाए, हो सकता है 10 साल, 11 साल में पूरा हो जाए, या फिर कम रिटर्न दिया तो 13 साल, 14 साल में पूरा हो जाए। लेकिन जब तक 15% का रिटर्न ना हो और मार्केट लाइफ टाइम हाई ना हो, मेरे काफी सारे फंड में, पूरे पोर्टफोलियो में 22% का रिटर्न दिखा रहा है, तो लाइफ टाइम मार्केट हाई है, तो इससे कहीं ज्यादा आपको दिखाएगा तो पैसा और कहीं ज्यादा हो सकता है। लेकिन जब रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए तो उस पैसे को आप रिडीम करके आप अपना फाइनेंशियल गोल पूरा कर सकते हैं। यहां पे हमने ये कार का उदाहरण लिया कि 4,000-4,000 रुपये पर मंथ से ये आपका 16 लाख पूरा हो जाएगा। ये जो 10 लाख का कार आज है इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू, और 16 लाख का जो होगा 12 साल के बाद उसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं कि 18 साल के बाद रिटायरमेंट में आपको जाना है, तो 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ करते हैं तो 1 करोड़ का हम टारगेट बना लेते हैं। यहाँ पे ऐसे देखते हैं,
यहाँ पे हम 10,000 रुपये पर मंथ का SIP करते हैं आने वाले 18 साल तक। यहाँ पे भी 15% कैलकुलेट किया है, मिड कैप स्मॉल कैप में लगाते रहेंगे और 18 साल टाइम है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको बैलेंस फंड में रखना है, डेट फंड में रखना है, आपको लार्ज कैप में रखना है, आपको रिस्क वाले फंड में रखना है, क्योंकि टाइम ज़्यादा है। जितना ज़्यादा टाइम होता है रिस्क उतना ज़्यादा कम हो जाता है। तो इस तरह से करके 10,000 रुपये पर मंथ करते हैं 18 साल में 21,60,000 जमा होता है और 15% के रेट से 1,10,00,000 हो जाता है। जब ये 1 करोड़ रुपया हो जाएगा तब हम यहाँ से पेंशन लेना शुरू करेंगे 60,000 रुपये पर मंथ आने वाले 15 साल तक। 50 के एज में, 55 के एज में आप प्लानिंग कर सकते हैं कि 55 साल तक मैं रिटायर हो जाऊँ, 60 तक रिटायर हो जाऊँ। 15 साल में जब 1 करोड़ पूरा हो गया तो 60,000 रुपये पर मंथ लिए, 10% के रेट से टोटल हम 1,08,00,000 ले लिए और बाद में बैलेंस 1,94,00,000 बच भी गया। जब इतना होता है 15 साल के बाद तो इस पेंशन को फिर से आप 60 से 90 या 1,00,000 तक कर सकते हैं, क्योंकि ये पैसा मूलधन बढ़ के ज़्यादा हो गया, लगभग डबल हो गया। तो इस तरह से करके प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं, अब एक क्वेश्चन होगा मन में, लोग कॉमेंट्स में पूछते हैं कि 60,000 रुपये पर मंथ उस समय तो कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। आप जो बोलते हैं कि 20 साल के बाद कुछ भी वैल्यू नहीं है, मैथ में वो आंसर नहीं होता है, मैथ में कुछ ना कुछ आंसर आएगा। वो आंसर इस तरह से देखते हैं, लमसम में गए 30,000 रुपया आज का 18 साल के बाद 4% का इन्फ्लेशन हो, वो 30,000 का वैल्यू 60,000 होता है। यानी कि आज जितना खाना हम खाएंगे 30,000 रुपया में एक महीना में, आज से 18 साल के बाद उतना ही खाना खाने के लिए हमको 60,000 चाहिए, यदि मोगेम्बो का इन्फ्लेशन 3% रहे तो। मैंने इन्फ्लेशन के बारे में कभी वीडियो बनाया नहीं है। हमें लगता है कि जो जो दाम बढ़ रहा है, लेकिन बात कुछ अलग है। पैसे का डिवेल्युएशन होता जा रहा है तो आपको महंगाई बढ़ा हुआ नजर आता है। ये कभी फिजिकल आएंगे तब बताएंगे, खतरनाक गेम है वो, बाद में बताएंगे। तो अभी इतना जानिए कि 4% के इन्फ्लेशन के रेट से जो 30,000 का बात है आज का, उस समय 60,000। अब जो कहते हैं ना कि 60,000 तो कुछ भी नहीं होगा, तो क्या आज का 30,000 कुछ भी नहीं है? आज अगर आपका घर है, बच्चे पढ़ लिख लिए, ज्यादा कोई खर्चा बड़ा वाला नहीं है, क्योंकि 60 के एज में तो सब कुछ हो गया होगा, सब लोग गंगा नहा लिया होगा, तो 30,000 रुपये में बूढ़ा बूढ़ी का घर चल जाता है, उस समय 60,000 पर मंथ में चल जाएगा। तो इस तरह से करके आप इसको बोलेंगे, 30,000 आज जो खर्चा है इसको बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू, और उसको बोलेंगे जो बाद में होने वाला है उसको बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू। तो इसी तरह से जितना भी फाइनेंशियल गोल है, इस तरह के चीज़ों को आप starsip.in के कैलकुलेटर पे जाएंगे और यहाँ पे सारा चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। SIP लमसम SWP में जाके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कुछ कॉमेंट्स का बात करते हैं। कॉमेंट्स में क्वेश्चन पूछा गया है, राजू सर मेरा नाम फलेश पांडे जी है, मेरी बेटी 1 साल की है, 20 साल के लिए 1,00,000 म्यूचुअल फंड में लगाना चाहता हूँ, अलग अलग फंड में लगाऊँ, एक फंड में लगाऊँ? 25,000 रुपये करके आप 4 फंड में स्मॉल कैप में लगा के छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा है, लंबे समय तक आप रिमेन इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप 1,00,000 रुपया अगर छोड़ते हैं और रिकॉर्ड अगर देखते हैं, पहले तो मैं बोलूंगा स्मॉल कैप में आप लगा दीजिए, निपॉन स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, DSP स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, 20,000 करके 5 फंड में लगा दीजिए। लेकिन आपको एक रिकॉर्ड ही अगर चेक करना है तो इसको मिड कैप कर दीजिए, और आपने 18-20 साल बोला है तो यहाँ पे 20 साल लिख देते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, और 1,00,000 का वैल्यू देखते हैं कि पिछले 20 साल में मिड कैप में कितना हुआ है। 1,00,000 का वैल्यू 2004 में लगाया था, उसका वैल्यू 40,62,000 है, 1,00,000 का वैल्यू 20 साल के बाद। तो इस तरह से करके सुंदरम मिड कैप अगर देखते हैं 1,00,000 का वैल्यू 39,00,000 है, 27,00,000 रुपये किसने बनाया है? आदित्य बिरला मिड कैप में कितने परसेंट का रिटर्न अगर बोलते हैं आप यहाँ पे 17.9। मैं एक्सपेक्ट करने बोलता हूँ, कैलकुलेट करने बोलता हूँ 15% के रेट से, उससे ज़्यादा हुआ तो हमारा सौभाग्य है, उससे कम भी हुआ तो बैंक पोस्ट ऑफिस सेफ सेफर से ज़्यादा ही होगा, तो घबराना नहीं है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, सर नॉमिनी को ऐड करने के बाद दूसरा नॉमिनी ऐड करना है तो कैसे करेंगे? जब आपको दूसरा नॉमिनी ऐड करना है तो फिजिकल कागज भरना पड़ेगा, ऑफिस में बैठ के बाबू साहब सिगरेट पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, सोचेंगे सब कुछ ऑनलाइन हो जाए, नहीं हो सकता है। उस ऐप में इतना ज़्यादा चीज़ नहीं दे सकते हैं। मान लीजिए ये काम कितना लोग करते होंगे, मुश्किल से 1-8% लोग,
अब इसके लिए सारा फीचर्स अगर ऐप में देंगे तो ऐप बल्कि हो जाएगा, वेबसाइट बल्कि हो जाएगा। इसलिए आपको ये करना है तो ब्रांच में जाइए, फॉर्म भरिए, तीन नॉमिनी तक दे सकते हैं, बराबर बराबर करके तीन नॉमिनी में, या 50% 25-25% तीन नॉमिनी को जोड़ सकते हैं। दो बच्चे हैं, वाइफ है, एक वाइफ को कर दिया 50% और 25-25% इसको कर दिया। लेकिन वैसे नहीं करना चाहिए, बड़ा बवंडर है, नहीं करना चाहिए कभी भी नहीं। आप एक ही फोलियो में तीन नॉमिनी मत डालिए, आगे फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है। विवाद होगा तीनों बच्चे में, मम्मी में, तो कोई पैसा निकाल ही नहीं पाएगा, वो पैसा हमेशा सदा के लिए मार्केट में रह जाएगा। आप समाज में देखते होंगे ना, दो भाई के नाम पे कोई प्लॉट है, कोई घर है, कोई फ्लैट है। अब भाई में विवाद है, एक भाई खूब अमीर है और एक भाई बेचारा गरीब है, वो बार बार बोलता है कि बंटवारा करके दे दो, तो भाई अकड़ में बोलता है कि हमें कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अमीर है। अब गरीब वाला पिसते रह जाता है, समाज में ऐसे आप देखेंगे। तो बेस्ट तरीका ये है कि आपके पास चार फोलियो है, पांच फोलियो है, तीन फोलियो है, सब में सेपरेट सेपरेट कीजिए। एक में वाइफ को कर दीजिए, एक में बच्चे को कर दीजिए, एक में दूसरे बच्चे को कर दीजिए, अलग अलग फोलियो में अलग अलग नॉमिनी, एक में ही गुड़बुड़िया देंगे तो बाद में ऊपर जाने के बाद देखेंगे दुखी दुखी होंगे कि भाई ये क्या चल रहा है, हमने इतना मेहनत करके पैसा जमा किया, उस पैसे को कोई उपयोग नहीं हो रहा है और विवाद झगड़ा हो रहा है, ऐसा नहीं करना है। वाइफ के नाम पे 3 लाख लमसम इन्वेस्टमेंट करना है 15 से 20 साल के लिए, क्या अभी मार्केट में स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या इंतजार करें? इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, आप इंतजार किस बात का करेंगे कि मार्केट गिर जाएगा, ना गिरे तो? हमने ऐसा इंतजार आज तक नहीं किया, होता है ना, 14-15 साल में हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया, करते गया करते गया, ये नहीं सोचे कि मार्केट लाइफ टाइम है, पैसा है हमने लगा दिया, हाँ उस पैसे को ये सोच के रखा, दृढ़ संकल्प कि इसको मुझे 15 साल के बाद ही निकलना है। आपके पास पैसा है 1-1 लाख करके तीन, तो वही जो फंड मैं बताया हूं स्मॉल कैप कैटेगरी में, जिसमें एवीएम सबसे ज्यादा है, 1-1 लाख रुपया करके इन फंड में लगा दीजिए। बहुत सारे फंड अलाउ नहीं करते हैं, तो इसको आप मैक्सिमम कैपेसिटी में क्या करेंगे, SIP करके इसमें पैसा लगा देंगे। तो टाइम ज्यादा है तो इंतजार नहीं करना है, आपको लगाते रहना है। कोई नहीं देखा है कि यहां से 10% ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो थोड़ा बहुत पैसा और लगा दीजिएगा। राजू जी आपने तो जिंदगी बदल दी। बिल्कुल, हमारा बदला है तो मैं चाहता हूं लोगों को भी बदल जाए। फार्मूला यही है, 15-20 साल जमीन प्लॉट फ्लैट कुछ मत खरीदिए, पैसा स्मॉल कैप मिड कैप में लगाते रहिए, जब तक 1 करोड़ नहीं हो जाए, एकदम घुरपुर हिलचुल कुछ नहीं खड़ी चाहे, बिहार में गुल्ली डंडा में ये वाला गेम में बोलते हैं हम लोग, ठीक है, कुछ घुरपुर हिलचुल नहीं, 1 करोड़ होगा तब सब कुछ खरीदूंगा, वाइफ के लिए बनारसी साड़ी भी खरीदूंगा, गल्ला का सेट भी खरीदूंगा, सब कुछ खरीदूंगा भाई, लेकिन पहला 1 करोड़ रुपया स्मॉल कैप मिड कैप में बना लूंगा, प्लॉट फ्लैट पहले से होगा ही, मेरे पास तो कुछ घर भी नहीं था, आप लोगों के पास तो कुछ ना कुछ जमीन वमीन होगा ही, मेरे पास तो वो भी नहीं था, सबको ले आगे फैमिली मेंबर्स को दिल्ली में बस गए, रेंट देते थे 3-4 हज़ार, और शुरू से जब भी इनकम हुआ, शुरुआत में 2000-3000 का SIP शुरू किया, धीरे धीरे इनकम बढ़ता गया, लगाते गए 14-15 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गया। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब ये नहीं कि बैठ के खाने लगेंगे तो फिर तो मर जाएंगे भाई, बैठे बैठे कुछ नहीं हो सकता है, काम तो आपको करना ही पड़ेगा, काम अपने मुताबिक का करना है, ऐसे नहीं कि ऐसा लगे कि जो है पिंजड़ा में तोता फंसा पड़ा है, उसमें सोने का चांदी चम्मच सब कुछ है, खाना भी अच्छा मिल रहा है, लेकिन पिंजड़ा में बंद जैसा नहीं लगना चाहिए, आप ऐसा काम कीजिए कि स्वतंत्र लगे। अभी क्या हो रहा है, एक न्यूज आया है, अब चालबाजी समझिए, 7 समुंदर पार जो बैठा हुआ है eastindia.com, वो कहता है कि महंगाई बढ़ना चाहिए। भाई ये तुम्हारे जगह पे महंगाई बढ़ क्यों नहीं रहा है, लोग ऊपर जा क्यों नहीं रहे हैं, लोग मतलब भूखे प्यासे खत्म क्यों नहीं हो रहे, कम से कम आधा तो हो जाना चाहिए, अभी तक हमने ये किया वो किया ये किया, इतना तरह का चालबाजी किया, आधे लोग को जाना चाहिए ऊपर, अभी तक तो नहीं किया। महंगाई बढ़ाओ, कैसे बढ़ाएंगे, एक नियम बना दो कि भाई कुछ भी होगा 10 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा, नियम पहले बना दिया, जब भी बनाया लागू अभी से कर दिया, हाहाकार मच गया, बाबा हम काम नहीं करेंगे, हम इधर से उधर नहीं जाएंगे, उधर से इधर नहीं जाएंगे, हाहाकार मच गया, अब सब जब जब जो जहां पे वहीं पे, कोई सामान ना इधर से आ रहा है ना उधर से आ रहा है, महंगाई बढ़ना शुरू होगा, अब चीज कम होगा तो महंगाई बढ़ेगा, इसको बोलते हैं जाग के देखना, खेल कोई और खेल रहा है, आपको लगता है कि नियम यहां बना वहां बना, हर जगह पे पूरे वर्ल्ड में एक तरह का चीज चलता है, सिग्नल एक जगह से जनरेट होता है और हर जगह पे वो नाचता है, चालबाजी समझ जाएंगे, एकदम होश पूर्वक जिएंगे तो धीरे 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 चालबाजी समझेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा जो किसान ने किया था,
हमको जो नियम नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए भाई, चाहे उसके लिए जितना भी आहुति देना पड़े, हमको जो नियम नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। ठीक है, आपको इसी तरह या इसी तरह मचमच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, कुछ भी चाहिए, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है, StarSIP.in का बेहतरीन वेबसाइट है, खूब खोपड़ी लगाया हूँ, 2-3 साल लगा इसको बनाने में, उसको 1 सप्ताह अगर घुमा फिरा के देख लेंगे ना, आपके ज़िंदगी में समृद्धि आना शुरू हो जाएगा। मिनिमम 1 करोड़ का टारगेट रखिए, 10-12-15 साल में पूरा हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच ज़रूर घुमाइए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।